अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते टाइम पास में जो घंटी है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन की, एक नए जॉब के बारे में। और ये जो जॉब है इसमें आपको जो उसका फॉर्म रहने वाला है इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। और इसके अलावा मैं आपने अगर 8th पास हैं आप या आप 10th पास हैं, ग्रेजुएशन, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्वालिफिकेशन है उस पर हम सारी इस वीडियो में बात करें। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ पीपल जो उनको भी जरूरत है जॉब की तो उनके पास तक ये टाइमली पहुंच पाए ताकि वो भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस जॉब की, तो ये जॉब आपकी निकाली है, ये जॉब आपकी जो निकली है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर निकली है। द एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में फाउंड हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसने ये इन जॉब्स को, इन वैकेंसीज को निकाला है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की जो आपका मोड रहेगा ये आपका ऑफलाइन मोड है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो भी मैं आपको बताऊंगी, आप उस पे जाके इसके नोटिफिकेशन को, जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसका डाउनलोड करके, आपको उस फॉर्म को फिल करके इसके गिवन एड्रेस पे आपको सेंड करना है। इस फॉर्म को अप्लाई करने की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 नवंबर है। ओके, ऑलरेडी ये फॉर्म का आपका बोल सकते हैं प्रोसेस अभी चल रहा है। इसमें आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेंगी। पहली आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, दूसरा आपका लोअर डिवीजन क्लर्क की, और थर्ड वन है आपका बाइंडर की, और फोर्थ वन है आपके जूनियर अटेंडेंट की। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन हर एक पोस्ट में मांगी गई है आपकी। पहली पोस्ट हमारी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, जिसका आप बोल सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम एज जो प्रोवाइड की गई है, मेंशन की गई है, वो आपकी 32 है। अगर आप 32 प्लस हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसका पे स्केल आपका काफी अच्छा है, लेवल 7 का पे स्केल आपको इसमें देखने को मिलता है। फिर कोई एक एग्जाम लिया जाएगा या फिर कोई इंटरव्यू होगा, दोनों में से एक चीज हो सकती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही उन्होंने मेंशन किया है। बाकी इसके अलावा आपका, अगर इसकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें आपका, आपने पीजी किया हुआ हो, किसी फील्ड से आपने पीजी किया है डजंट मैटर, बट अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है साइंस में, इन्फॉर्मेशन साइंस में या लाइब्रेरियन में, यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं इसके नोटिफिकेशन में, ठीक है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते। सेकंड जॉब है हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क की। इसमें आपका जो पे स्केल आपको देखने को मिलता है ये लेवल 2 का पे स्केल है, और इसमें आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगेन इसमें भी मेंशन है। अलावा इसका जो मैक्सिमम एज जो इसमें मांगी गई है वो आपकी 27, अगर आप 27 प्लस हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें आपका, आपने अगर 10th पास हो आप तो आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप 10th पास हो नॉर्मली तो आप अप्लाई इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जॉब हमारी बाइंडर की है। इसमें अगेन आपका जो पे स्केल है आपका लेवल 2 का है, इसमें मैक्सिमम एज आपकी 27 मांगी गई है। इसके अलावा आप 8th पास हो प्लस आपके पास में 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बाइंडर काम कर रहे हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ जो है हमारी वो जूनियर अटेंडेंट की है। इसमें आपकी जो मैक्सिमम एज रहने वाली है वो आपकी 32 रहेगी, और पे स्केल आपका लेवल 1 का आपको पे स्केल मिलेगा। और इसके अलावा आपका जो भी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपकी 8th प्लस है, 8th पास आपको मांगा गया है, प्लस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ अटेंडेंट, आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर क्या आप किसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, एज रिलैक्सेशन रहेगा जो कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फॉर्म दिया हुआ है इसके नोटिफिकेशन के साथ में, आपको इस पूरे फॉर्म को अच्छे से फिल करके जो भी गिवन एड्रेस आपको दिया गया है आपको उस पर सेंड करना है। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसकी वेबसाइट का, आप उस पर जाके पूरी सारी चीजें चेक कर सकते हो, और जल्दी ही इसको अप्लाई कर दीजिए। काफी इसमें कोई, आप फर्स्टली इसमें कोई आपको फीस नहीं देनी है फॉर्म की, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट, ताकि ये
ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक टाइमली पहुंच पाए। थैंक यू।